हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मल्टी वैगर स्टॉक के बारे में जो कि डिवीज ले आवे है। ये स्टॉक में जिस हिसाब से अभी करेक्शन चल रहा है, इसको कौन सा लेवल पे हमें बाय करके चलना चाहिए, या तो फिर जिनके पास में है तो उनको आगे के लिए क्या करके चलना चाहिए, इस वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको जरूर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि हर कोई वीडियो आने वाला टाइम पे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकता है। उसी बेस पे वो स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो में लेके एक बढ़िया सा आगे आने वाले दिनों में बढ़िया गेन ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर डिवीज लैब के बारे में बात करेंगे, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करेंगे, 1,10,000 करोड़ की मार्केट कैप है। तो ये स्टॉक का अभी आरओसी देखिए, 32 का आरओसी है और डेट टू इक्विटी रेशियो डेट फ्री कंपनी है। 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर में, पूरा डेट फ्री कंपनी है। और कंपनी का अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 5,425 है। और अगर अभी करेंट मार्केट प्राइस अगर बात करेंगे, यहाँ पे 4,179 है। आज के दिन में स्टॉक में 3.4% का गिरावट देखने को मिला है। तो अभी तो फार्मास्यूटिकल कंपनी, काफी सारे कंपनी में गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे आज के दिन में 4% का गिरावट देखने को मिला है, जो कि डॉक्टर लाल पैथलावे। अगर आपके पोर्टफोलियो में है, अगर पैनिक सेलिंग हो रहा है जिस हिसाब से, आपको क्या करके चलना चाहिए उसके लिए वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉक कोई बुरा नहीं है, चाहे यहाँ पे लाल पैथलाव हो या तो फिर एबॉट इंडिया हो, ये सब स्टॉक कोई बुरा नहीं है। जहाँ पे सेलिंग होता है, पैनिक सेलिंग, उस टाइम पे पेशेंस के साथ में स्टॉक को होल्ड कीजिए। भले आपका पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है। ठीक है, वो सारे स्टॉक क्वालिटी स्टॉक है। क्वालिटी स्टॉक के साथ में आपको होल्ड करना है। आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ऑल टाइम हाई अचीव करेगा, लाइफ टाइम हाई अचीव करेगा हमेशा। ठीक है, ये स्टॉक में कभी कभी पैनिक सेलिंग होता है ना, उस टाइम पे आप होल्ड कीजिए। सब क्वालिटी स्टॉक है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसी हिसाब से कंपनी का, जो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे सेप्टेम्बर क्वार्टर में देखिए सबसे ज्यादा इसमें रेवेन्यू भी आया था। ठीक है, सेल्स भी सबसे ज्यादा था, और सेल्स में हर एक क्वार्टर में सेल्स बढ़ते जा रहा है, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट भी 606 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि सबसे हाईएस्ट था। ठीक, तो कंपनी तो बहुत बढ़िया सा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर लास्ट चार मंथ्स का, सॉरी फोर लास्ट फोर क्वार्टर की बात करेंगे, लास्ट फोर क्वार्टर में यहाँ पे नेट प्रॉफिट की भी अगर यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे 2,136 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, और कंपनी एक मल्टी वैगर स्टॉक रहा है। अगर हम सेल्स की बात करेंगे, सेल्स भी सबसे हाईएस्ट है, जो कि 7,438 करोड़ का है। कभी भी इसका परफॉर्मेंस में आपको डाउनफॉल देखने को नहीं मिला है, हमेशा हर एक क्वार्टर में यहाँ पे ग्रोइंग जरूर नजर आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसका कंपनी का 10 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, यहाँ पे किसी को लॉस नहीं हुआ है। 10 साल में 27% का सीएजीआर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। आप देखेंगे तो 1 साल में 16% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर 3 ईयर्स में देखेंगे, 41% सीएजीआर रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में 42% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बेहतरीन स्टॉक है। तो ये स्टॉक में आपका पोर्टफोलियो में अगर है तो उनको होल्ड करना है। मेरा हिसाब से आपको ये स्टॉक होल्ड करना है। अगर आप देखेंगे रिजर्व भी हर एक ईयर में रिजर्व बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखिए, मार्च क्वार्टर में 9,248 करोड़ का रिजर्व था, अभी सेप्टेम्बर का क्वार्टर में यहाँ पे 9,876 करोड़ का रिजर्व है। रिजर्व बहुत बढ़िया है। तो उस हिसाब से बोरोइंग कितना है, ओनली 4 करोड़ का बोरोइंग है, ओनली 4 करोड़ का ही बोरोइंग है। तो बोरोइंग कोई बोरोइंग नहीं है ये, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग भी एक बेहतरीन होल्डिंग है, जो कि 51.95% प्रमोटर के पास में होल्डिंग है। एफआई के पास में भी अच्छा खासा होल्डिंग है, जो कि 19.3% होल्डिंग है। अगर डीआई के बारे में बात करेंगे, डीआई में भी यहाँ पे एक बेहतरीन होल्डिंग है, जो कि 17.73% का होल्डिंग है। डीआई तो अभी अगर दिसंबर में देखेंगे, उन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पे 16.36% था, उसके बाद में यहाँ पे 17.73% का डीआई का होल्डिंग है, यहाँ पे बाइंग हुआ है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे पब्लिक के पास में 11% का होल्डिंग था, अभी 11.02% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास में भी अच्छा होल्डिंग है। अगर हम बात करेंगे आज का दिन का कारोबार के हिसाब से, यहाँ पे 3.25% का डाउन देखने को मिला है, जो कि 140 रुपीज का डाउन देखने को मिला है। लेकिन इस स्टॉक में एक अच्छा साइन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया सा डिलीवरी उठाया गया है इस स्टॉक में। यहाँ पे 11,72,000 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है, 7,41,000 क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला है, जो 63% का डिलीवरी देखने को मिला है। एक बेहतरीन डिलीवरी हम इसको मान सकते हैं।
अगर यहाँ पे हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट में रिजल्ट का डेट भी पब्लिश यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो अगर आपको ये स्टॉक में पोजीशन बनाना है फ्रेंड्स, एक बार चार्ट में जाके देख लेते हैं। चार्ट में अगर देखेंगे ऑल टाइम हाई से अभी तक का ये स्टॉक में 23-24% का करेक्शन आ चुका है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है। अब देखिए, हमेशा ये स्टॉक में एक 200 डे का मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम किया है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी एक बार 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आया था, वही उसी दिन में इंट्राडे में सपोर्ट लेके फिर चलना स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए कोरोना के टाइम पे भी वही 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आया था, सपोर्ट लेके फिर चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छा से रिस्पेक्ट किया है। तो ये स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से अभी करेक्शन चल रहा है, आपको पैनिक करने का कभी भी जरूरत नहीं है। एक अच्छा सा स्टॉक अगर ऐसे ही मिलता है ना, तो आपको बाय कर लेना है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, हमेशा ये मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा क्वालिटी स्टॉक में है, हमेशा आपको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 200 डे का मूविंग एवरेज को बहुत अच्छा से सपोर्ट किया है। अभी आपको 200 डे मूविंग एवरेज से भी 10% नीचे मिल रहा है स्टॉक। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे आ चुका है। तो मतलब ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। ठीक है, देखिए जब क्वालिटी स्टॉक होता है ना, मैं आपको बोलता हूँ, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए 10% का करेक्शन हो चुका है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के अगर नीचे देखेंगे आपको, देखिए यहाँ पे भी 200 डे मूविंग एवरेज के पर बिल्कुल वहां पे एक दिन में वहां पे सपोर्ट लेके फिर चलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो वहां पे देखिए चार बार होने के बावजूद अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 10% का और उसके नीचे आ चुका है। तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। अगर कंपनी का अगर बात करेंगे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म की चार्ट पैटर्न देखिए, ये सब कंपनी में कभी भी आपको डरने का जरूरत नहीं है। स्टॉक देखिए एक मल्टी भी अगर स्टॉक रहा है, ठीक है ना, तो यही स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 2009 में यहाँ पे 300 रुपये के पास में ट्रेडिंग हो रहा था। अभी देखिए तो अभी यहाँ पे 4,100-4,200 हो चुका है। तो मतलब ये कि मल्टी भी अगर रिटर्न दिया है, ऐसा स्टॉक में अगर आप पोर्टफोलियो में रखेंगे ना, तो आपको कभी डरने का कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड के लिए भी लेके चल सकते हैं, या तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके चल सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेड के लिए लेंगे तो अगर अभी आप पोजीशन बनाते हैं, अगर ऑल टाइम हाई तक तो स्टॉक में बने रहते हैं, आपको कितना परसेंटेज का गेन मिल सकता है। देखिए अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, ऑल टाइम हाई तक तो अगर स्टॉक में रखते हैं, तो 30% का गेन आपका बन सकता है। ठीक है, और आपको क्या लगता है ये स्टॉक में 30% का गेन 1 साल में नहीं आएगा? बहुत इजीली आ सकता है फ्रेंड्स, बहुत इजीली आ सकता है। ऐसा क्वालिटी स्टॉक 1 साल में क्या, 6 मंथ्स में भी आपको 30% का गेन दे सकता है। ठीक है, पिछला भी देखिए ना, पिछले बार की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कितना दिन लगा है, एक बार हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में कितना दिन लगा इसको ऑल टाइम हाई को यहाँ पे टच करने में, यहाँ पे देखिए 57 डेज लगा है। ठीक है, 57 डेज, यहाँ पे 57 डेज में यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे अचीव किया है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है आपको इस स्टॉक में बने रहना है, तो आपको एक बढ़िया सा गेन आपको आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो अभी कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो एक डेट फ्री कंपनी है, बहुत बड़ा क्वालिटी स्टॉक है, ये स्टॉक में आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपको ये रिस्क फ्री स्टॉक है, इसको आप लेके चल सकते हैं। अगर आपको ये एक अच्छा सा गेन का तलाश में है, एक बढ़िया सा गेन आपको मिल सकता है, मैं आपको फ्री एक टिप्स देता हूँ। अगर आप हमेशा हर कोई वीडियो देखते हैं, आपको पता रहेगा यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉक है, आपको बहुत बढ़िया सा गेन दे सकता है। ठीक है, इसमें ये स्टॉक देखिए यहाँ पे 85% देने का बिल्कुल दम रखता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था। ठीक है, क्यों बताया था, उसका पीछे का रीजन है, वो वीडियो को जाके देखिए। यहाँ पे आपको 85% की बात कर रहा था, लेकिन स्टॉक में आज के दिन में भी 4% का करेक्शन आया है, तो 90% का गेन आपको मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, इसे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे काफी सारा स्टॉक है, आपको वही 1 साल में भी 90% का गेन देने का बिल्कुल दम रखता है, वो एक स्टॉक रहा है। यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल है, ये भी जबरदस्त गेन आपको दे सकता है। ठीक है, अगर और एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे और एक स्टॉक भी है, उसके स्टॉक के बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पे इन्फो एज है, जबरदस्त स्टॉक है, मल्टी अगर स्टॉक है, ये स्टॉक भी आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आप ये सिंफोनी के बारे में बात करेंगे, वो वीडियो भी जाकर देख लीजिए, यहाँ पे भी जबरदस्त स्टॉक है, वो भी आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे एशियन ग्रेनेटो है, जबरदस्त आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, ऐसे सारा स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो जबरदस्त गेन दे सकता है, और आपका पोर्टफोलियो 2 साल में डबल हो सकता है। ठीक है,
ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जरूर आप विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो सब देख के एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 3% तक का इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, और लार्ज कैप स्टॉक में 5% तक इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं जो कि पोर्टफोलियो का, ठीक है। अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उसी बेस पे आप स्टॉक को ट्रेडिंग करके एक अच्छा सा मुनाफा स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।